इस रवा के मजेदार नाश्ते के लिए आप ले लेंगे, यहाँ पे हम एक कटोरी सूजी और इसमें लेंगे हम डेढ़ कटोरी पानी। इसी कटोरी से जिससे हमने रवा नापा है इसी से हम डेढ़ कटोरी पानी ले लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे एक चौथाई छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स और डाल देंगे नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, हल्का ही डालेंगे। उसके बाद हम इसमें एक चम्मच घी डाल देंगे, ये घी थोड़ा गाढ़ा है तो आप डेढ़ चम्मच घी डाल दें, और अगर रिफाइंड डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। और इसके बाद हम इसे पका लेंगे अच्छे से चलाते हुए, और जब ये अच्छे से इसका पानी सूख जाए तब हम इसको जो है, इसका पानी सूख जाने के बाद हम इसे जो है ढक कर रख देंगे थोड़ी देर के लिए। जब ये ठंडा हो जाए, हल्का सा गुनगुना जैसा रहने लगे, तब हम इसकी फिर छोटी छोटी सी गोली बनाएंगे। इसे हम लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। अच्छे से पकाने के बाद फिर हम इसे ढक कर रख देंगे। यहाँ पे इसे हमें लगातार चलाना है क्योंकि ताकि ये नीचे तले में ना लगे। अब हम यहाँ पे इसे ये देखे चलाते हुए पक चुका है। इसी तरह से हमें सारा इकट्ठा कर लेना है, और इसे हम इकट्ठा करके इस तरह से ये देखिए ये एक डो फॉर्म में हो जाएगा। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ढक कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और इसे अच्छे से मिला लेंगे हम। अब ठंडा हो जाने के बाद इसे हम इकट्ठा कर लेंगे और इसके हम छोटे छोटे से बॉल बनाएंगे। इसी तरह से छोटे छोटे हमें सारे बॉल बना लेना है। दोनों हाथ के सहायता से सारे बॉल हम इसी तरह से बना लेंगे। अब बॉल बनाने के बाद हम एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल गरम करेंगे और उसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच सफ़ेद तिल और आधा छोटा चम्मच डालेंगे सरसों। उसके बाद थोड़ा सा करी पत्ता ले लेंगे 10-12, उसे हाथों से ही छोटे छोटे टुकड़ों में करके वो डाल देंगे। इसके बाद हम डालेंगे 3 कली लहसुन है ये छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, और इसे हम एक दो बार चलाने के बाद, फिर एक छोटे टुकड़े में कटा हुआ प्याज है इसे डालेंगे और हम थोड़ा पका लेंगे इसे। इसे हमें पूरी तरह से लाल नहीं करना है, बस ट्रांसपेरेंट हो जाए। इसे इतना ही पकाना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद हम ये सारे बॉल इसी में डालकर अच्छे से 5 मिनट तक तेज़ फ्लेम पे हम इसे पका लेंगे। इसी तरह से चलाते हुए पकाना है ताकि ये बर्तन से लगे ना, और सारे मसाले जो हैं इसमें अच्छे से रस बस जाए, अच्छे से इसमें कोट हो जाए। यहाँ पे ये अब तैयार है, तो इसमें हम हरी धनिया कटी हुई डाल देंगे। अब धनिया डालकर इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और मिलाने के बाद हम इसे सर्व कर लेंगे। तो आपको इससे जिससे भी पसंद हो, मैं तो यहाँ पे सॉस से सर्व कर रही हूँ, आपको हरी चटनी पसंद हो उससे भी खा सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी आपको लगने वाला है, बहुत ही बढ़िया लगता है, तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए।